रविवार को बहराइच पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और लोगों से मिले। बहराइच के हरियाली रिसोर्ट में रोटरी क्लब द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने अमृत महोत्सव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को दोहराते हुए कहा कि ये अगले 25 वर्ष हमारा अमृतकाल है। उन्होंने कहा कि इस अमृत महोत्सव या अमृतकाल की घोषणा एक नई चेतना पैदा करने के लिए की गई है कि जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो तब उससे पहले हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार कर सके जिन्होंने इतनी तपस्या और त्याग किया जिससे अब भारत के लोग सर उठाकर चल सकते हैं। रोटरी क्लब द्वारा आयोजित समारोह में क्लब के सदस्यों की और पदाधिकारियों को भी राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। और जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये अब अगले 25 साल हमारा अमृत काल है, तो हम में से बहुत से लोग वो 100 वर्ष को शायद ना देख सके, लेकिन जब यहाँ नौजवान काफी, लेकिन इस अमृत महोत्सव या अमृत काल की घोषणा एक नई चेतना पैदा करने के लिए की गई है कि 100 साल जब आजादी के पूरे हों तो उस वक्त तक उससे पहले हम अपनी उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार कर सकें जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, और उनमें बहुत ऐसे लोग थे जो जब कुर्बानियां दे रहे थे तो ये सोचा भी नहीं था कि वो आजादी की सुबह को देखेंगे, और उन्होंने आजादी की सुबह को देखा भी नहीं, लेकिन उन्होंने इतनी तपस्या इतना त्याग किया ताकि आभार